हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो क्या हाल चाल सबके। सो आज नई एक और वीडियो लेकर आए हैं बुलेट मॉडिफिकेशन की। आप देखोगे, आई बिलीव कि आप बिल्कुल हैरान रह जाओगे कि भाई ये बुलेट को क्या बना दिया। सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, आपको दिखाता हूँ मैं बुलेट। ये है भाई थंडर बर्ड, देख रहे हो ना क्या लग रही है, अल्टीमेट एकदम। सो ये है थंडर बर्ड 350, जिसको नाम दिया गया है हरिकैन, और पूरा अल्टीमेट मॉडिफिकेशन इसमें करी गई है। टायर वगैरह, मीटर इसका, फॉग लैम्प, सब कुछ। सो हेडलाइट वगैरह ए टू जेड कम्प्लीटली चेंज है। और भाई ये भी देखो इसका कितना प्यारा लग रहा है, और मीटर कितना ज़बरदस्त है इसका। मीटर भी बहुत डिजिटल मीटर लगाया हुआ है इसके अंदर। सो पूरी बाइक मॉडिफाई करी है सेंस क्लासिक पार्ट, और मेरे साथ है हमेशा की तरह संदीप पाजी। सो अभी ये सारा इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या करा है, कैसे कैसे करा है। सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट की। संदीप पाजी बताएंगे इसके अंदर फ्रंट के अंदर क्या क्या चेंज करा है। तो सबसे पहले सर वेलकम आपका जगजीत जी एक बार फिर से, और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हमने लगाई है एक हेडलाइट 5.75 इंचेस की, 7 इंचेस की आती है इसमें। तो ये हेडलाइट आपने देखी होगी, ज़्यादातर हार्ले में आती है या फिर एवेंजर में ही ये लाइट आती है 5.75 इंचेस। साथ में हमने लगा दिए छोटे छोटे यहाँ पे फॉग लाइट्स, क्योंकि थोड़ी सी कस्टमर डिमांड थी बल्कि लुक चाहिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे फॉग लाइट्स लगा दिए, एक्स्ट्रा DRL इनमें दिया गया है, DRL इसमें भी है। ऊपर एक बना दिया, इसका शेड बना दिया बहुत प्यारा सा और बड़ा अच्छा सा कॉम्पैक्ट सा लुक। कस्टमाइज है सारा कुछ, इससे फर्क ये पड़ा कि सारी वायरिंग हमारी इसके अंदर छुप चुकी है, कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ बिखरा हुआ नहीं है। फ्रंट में आ जाते हैं नीचे, तो फ्रंट में टायर थोड़ा बड़ा लग रहा है, बिल्कुल कस्टम मड गार्ड है। नीचे 19 इंच का अलॉय है, लेकिन टायर हमने इसमें यूज किया है 110 रैल्को का 110x90x19 इंच का यहाँ पे टायर लगाया है। और मेटल के इंडिकेटर्स हैं, बिल्कुल पाउडर कोटेड है, प्लास्टिक नहीं है। हजार इसमें लगा हुआ आप देखेंगे यहाँ पे चल रहे हैं। LED बल्ब इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं, और मैं अगर बंद करता हूँ यहाँ पे तो आप ये देख सकते हैं हजार इसमें ऑन करा है हमने। सिमटेक का हजार लग गया है, LED बल्ब है, 3 साल की गारंटी बल्ब की है, 2 साल की हजार की आती है। ऊपर आते हैं तो यहाँ डिजिटल मीटर लग गया है, और सबसे खास बात इस बाइक में जो लगी है वो है ये एक हॉट रॉड हैंडल इसमें लगाया है, जिसमें 3 इंच के राइजर के साथ ये हैंडल आता है। ये भी कस्टमाइज है, कस्टमाइज हैंडल है, ये बना बनाया पूरा कंप्लीट हैंडल आता है। ये तकरीबन 5000 के आसपास का ये हैंडल ही है इस बाइक के अंदर जो हमने लगाया है। बहुत बेहतरीन ये लुक दे रहा है बाइक को, 3 इंच के राइजर के साथ, काफ़ी हैवी ड्यूटी हैंडल है। ग्रिप्स यहाँ पे इंस्टॉल करी है हमने, कस्टम ग्रिप्स हैं। एक मिरर यूनिक चीज़ एक लगाई है यहाँ पे, आप देखेंगे ये कस्टमाइज्ड मिरर है, और ऐसे ये फोल्ड हो जाते हैं और ये बन जाता है लीवर गार्ड। क्या बात है, तो एल्युमिनियम का पूरा सेटअप है, बिल्कुल नई चीज़ है, बिल्कुल हाँ यूनिक चीज़ है। स्विचेस थोड़ा सा हमने इंप्रोवाइज करके स्विचेस चेंज किए, क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं थी यहाँ पे स्विचेस की, तो हैंडल की वजह से तो हमने कुछ चेंजेस करके लगाए हैं। कस्टम टैंक है यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली 14-15 लीटर का ये टैंक है, और ब्रांडिंग किया बाइक का नाम रखा है हरिकैन। टैंक कितने लीटर का पाइए, टैंक बहुत ज़्यादा बड़ा टैंक, कस्टमाइज टैंक भी, बिल्कुल कस्टमाइज टैंक है। कैप हम यूज़ करते हैं ओल्ड मॉडल का, अब जो चाहे तो आप अपने अपनी बाइक का भी यूज़ कर सकते हो ओरिजिनल भी। पैनल यहाँ पे कस्टमाइज किया है, साइड पे डमी कवर्स लगाए हैं, जैसे और इसका एयर फिल्टर भी आपने दूसरा, बिल्कुल एयर फिल्टर यहाँ पे हमने KNN काइंड ऑफ जो आता है वैसा लगा दिया, कोनिकल फिल्टर जिसे कहते हैं वो लगाया है। और उसका पीछे आ जाते हैं कि पैनल डिज़ाइन किए हैं, सीट कस्टमाइज है, मडगार्ड है, मतलब सब कुछ, मतलब इसमें इसका झूला भी बड़ा करा हमने। ये स्विंग आर्म की किट स्पेसिफिकली इसी बाइक के लिए बनाई है, इसमें ये रहता है नॉर्मल स्विंग आर्म किट जो होती है ना 1500-2000 वो वाली नहीं है, स्विंग आर्म पूरी किट हमने बनाई गई है। काफ़ी मोटे गेज के अंदर काफ़ी अच्छी है झूला, ये स्विंग आर्म बनाई गई है। स्प्रॉकेट हमने नया बनाया है इसका, ताकि इसमें कहीं पे गैप्स ना रहे, नया स्प्रॉकेट है, कस्टम स्प्रॉकेट है इसके अंदर, 2 स्प्रॉकेट के साथ मिला के इसको बनाया गया, ताकि चेन इसकी बाहर आ जाए। इसकी क्वालिटी ये है इस स्विंग आर्म की कि अभी इसमें 150 का टायर है, हम इसमें चाहे तो 160 तक का भी टायर, बहुत 160 तक का अगर टायर आता है 15 इंच में तो डायरेक्टली। ये भी रैल्को का टायर डाला पीछे, बिल्कुल रैल्को का सेट है, आगे 19 है, पीछे 15 है, पीछे डाला 140-90-15, इसमें 150-160 तक का टायर डाला जा सकता है जो स्विंग आर्म हमने बनाया है। सीट का डिज़ाइन हमने जो इंस्पायर्ड है ये कुछ सुपर मीटियोर से इंस्पायर्ड है, और या फिर जो क्रूजर्स आती हैं, तो ये बाइक की ओवरऑल जो लुक बनाई है ये हॉट रॉड काइंड ऑफ लुक है। लेकिन ये क्या लगाया हुआ है, ये डमी है, जैसे वो होते हैं फिल्टर्स होते हैं ना, ये टर्बोज आते हैं सुपर बाइक्स में, तो उसका ये डमी है लगाया है यहाँ पे हमने। 3-टोन हमने इसमें पेंट किया है, ब्लैक यूज़ किया है जो बाइक का जो बेसिक कलर था, साथ में सिल्वर और गन मेटल ग्रे के इसमें साथ में हमने इसको फिनिशिंग टच दिया है। इंजन बिल्कुल जेन्युइन है, हमने पाउडर कोटिंग ओरिजिनल है, हमने छेड़ा भी नहीं है। बाइक हमने खरीदी है, कस्टमर की चॉइस थी बाइक खरीदनी है, बाइक खरीदी भी हमने है, कस्टमाइज भी हमने करी है पूरी की पूरी ये बाइक। इसके अंदर रूट्स ओरन लगाया आपने, रूट्स ओरन चॉइस थी अभी लगाया है, ये जाना है कह रहे नहीं, हमें थोड़ी लाउड चाहिए, थोड़ी फैंसी बाइक चाहिए, तो इस हिसाब से ये बाइक बनाई। और ये पीछे कस्टमाइज नंबर प्लेट, कस्टमाइज नंबर प्लेट है, नंबर लाइट वर्किंग है ये वाली, बिल्कुल बिल्कुल वर्किंग है, देखिए जी पार्किंग ब्रेक दोनों है इसमें, आप देख सकते हैं क्या बात, LED सिस्टम इसमें लगाया गया है।
और इसमें एग्जॉस्ट भी आपने अपना लगाया है। सेंस का एग्जॉस्ट है, रूस्टर मॉडल इसे कहते हैं। एक बार साउंड सुना देते हैं इसकी। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो जैसे आपने कस्टमाइज करी है तो हाईवे पे लॉन्ग रूट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनकी। जैसे झूला इसका आपने काफी बड़ा पीछे मतलब चेंज करा है। एक्चुअली कस्टमर की चॉइस थी कि सिंगल राइडर के लिए चाहिए, बट हमने यहाँ पे एक सीट कस्टमाइज करा दी है। आप चाहे तो अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, ज्यादा सड़क खराब नहीं है, उबड़ खाबड़ नहीं है, बम्स नहीं है, तो आराम से दो लोग बैठ के उसको लॉन्ग राइड पे चला सकते हैं जितना मर्जी आप चाहे तो। सो इसको मैक्सिमम जैसे 100 120 130 पे जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली? पुरानी बाइक है, कस्टम की हुई है थोड़ी सी, 100 120 की स्पीड रिकमेंडेड नहीं है अभी क्योंकि नई नई बनी है बाइक। थोड़ा सा देख लीजिए, अभी हमने इसको कितना 10-15 किलोमीटर तक का ट्रायल ही किया है, अभी हमने दो दिन से चला ही रहे हैं इसको, 15-20 किलोमीटर चली है ये। सो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आप 3 लेयर पेंट है, बट यहाँ पे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि पेंट फील नहीं होगा। यहाँ पे जो हमने ब्रांडिंग करी है वो भी पूरा अंदर ही है इसके, आप अगर हाथ लगाएंगे आपको फील नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं फील हो रहा जी। ऐसा लगा पेंट कैसे मतलब पहले 3 लेयर पेंट, ये एक्चुअली 3 बार ये पेंट हुआ। इसके ऊपर जो कोटिंग है ना, ये 3 बार हुई है, जो ऊपर की जो लास्ट कोट होता है 3 बार हुई है, जिसकी वजह से ये थोड़ा क्लैरिटी इतनी ज्यादा आ रही है कि आपको फील नहीं होगा कि 3 लेयर्स में है। ओके, तो ये सारी मॉडिफिकेशन इसके अंदर आपने करी है। और जो आपने फिल्टर लगाया, इस फिल्टर का बेनिफिट क्या होता है वाले का? यार एक्चुअली फिल्टर जब हम एक्चुअली होता क्या है, इस पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बेनिफिट से ज़्यादा डिज़ाइनिंग की ज़्यादा वो रखी जाती है। बेनिफिट ये होता है कि एक तो फिल्टर बॉक्स के अंदर होता है तो बाहर आने की वजह से एयर इनटेक थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, और कह सकते हैं पिकअप थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। दूसरा ये है कि इस फिल्टर में एक ये रहता है कि आपको चेंजेस जल्दी जल्दी करना होता है इस फिल्टर को, कि बहुत ज़्यादा ये मिट्टी पकड़ लेता है, ओपन में होता है, एक्सपोज होता है। दूसरा ये है कि जब हम ये बॉक्स डिज़ाइन करते हैं ना, हाँ जी, तो इसमें अंदर अगर चाहो तो फिल्टर के लिए यहाँ पे पाइप हम दिया जा सकता है, लेकिन वही रहता है झंझट रहता है, खोलना बंद करना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, डायरेक्टली ये निकल जाएगा यहाँ से और नया फिल्टर आप लगा कर सकते हो। हाँ जी, तो सारी मॉडिफिकेशन इसके अंदर करी है, बट इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ लग रही है वो लग रही है इसके फ्रंट के हेडलाइट और लैंप जो आपने लगाया ना इसके अंदर। हाँ, ये थोड़ा सा ये डिजाइनिंग तो हमने करी थी यहाँ पे कस्टमाइज, मेरा मन था कि लाइट्स लगाऊं, बट ये था कि समझ नहीं आ रहा क्या लगाया। तो जब कस्टमर भी आए, इनकी भी चॉइस थी, कस्टमर की भी चॉइस थी कि नहीं यार हमें, वैसे तो मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही थी बिना लाइट्स के, लेकिन यार एक था यार नहीं यार कुछ करते हैं ऐसा कि और थोड़ी सी बढ़िया लगे, और थोड़ी सी बढ़िया लगे। तो ये हमने लाइट्स कस्टम के उनके पॉइंट ऑफ व्यू सोचा कि थोड़ी ब्रॉड चाहिए, जहाँ जाना है वहाँ दिखनी चाहिए, तो ये लाइट हमने बाइक जाने कौन सी जगह है, ये पूरी माउंटिंग बनाई है कस्टमाइज करके इस पे लगा दी है। सो बाइक जाने कौन सी जगह है? बाइक जाएगी जी कानपुर। क्या बात, और हो सकता है आगे बिहार भी चली जाए क्योंकि ये दो फ्रेंड्स आए हैं, तो दोनों दोस्त हैं काफी पुराने। सो अलॉय व्हील जो पीछे डाला है काफी छोटा, वो क्या नंबर है टायर का? 15 इंच का है वो पीछे का, आगे 19 है पीछे। अलॉय व्हील कस्टमाइज है या आते हैं ये वाले? अलॉय ऐसे ही आते हैं, ये 19-15 या 19-17 के अलॉयज आते हैं, आपकी चॉइस है कौन सा लगवाना चाहते हो। ओके, सो ये है पाजी जिनकी बाइक है ये, जो कानपुर से आए स्पेशल। तो मैं एक बार पाजी को बोलूंगा कि पाजी आपको कहाँ से पता लगा इनके बारे में मॉडिफिकेशन के लिए? सर हम तो घूम रहे थे मार्केट में, यहाँ पे आए थे तो मार्केट में आए थे, हमने कहा कुछ यूनिक सी बाइक बनवानी थी, जो हमने पूछा उन्होंने अच्छे से बताया नहीं कि कैसे करनी है, क्या चीज़ करनी है। फिर हम इनके पास आए, इन्होंने इनको बताया कि हमें ये शौक इस तरीके की बाइक बनवानी है, उन्होंने फिर हमें गाइड किया कि ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें हो जाएंगी, फिर उनके हिसाब से हमने इनको दिया कि हाँ इस टाइप से हमारी बाइक बनवा दीजिए। सो पाजी इसके अंदर अगर हम बात करें एग्जैक्ट जो अमाउंट खर्च हुआ है वो तो नहीं पता लग पाएगा, बट फिर भी अप्रोक्सीमेटली आइडिया बता सकते हैं। बाइक डिपेंड करता है कि आप कौन सी लेते हो, कितनी पुरानी लेते हो। ये BS4 है, 17-18 मॉडल, फर्स्ट ओनर बाइक है ये। बहुत ज्यादा चली नहीं हुई थी, 25,000 के आसपास चली हुई बाइक थी ये, नॉन एक्सीडेंटल थी, फुल इंश्योर्ड, पॉल्यूशन हुआ हुआ सब कुछ था। तो ये अगर बाइक के साथ बात करूँ ना, इस बाइक खरीदने के साथ अगर बात करें तो ये ले लीजिए, अगर बिल्कुल ऐसी बनानी है तो और इसी क्वालिटी के साथ काम करना है ना, तो आप लेके चलना, आपका 2.5 के आसपास का बजट होना चाहिए आपका, जैसे बाइक भी है और आपका मॉडिफिकेशन भी है, का बजट भी है, तो 2.5 के आसपास चलो। और जो बिल्कुल लीगल मॉडिफिकेशन है जिससे कोई पुलिस वाला भी नहीं परेशान करेगा। लीगल इन द सेंस, देखिए एसेसरीज मैं नहीं कहूँगा कि लीगल है, क्योंकि मॉडिफिकेशन बहुत अलग तरह की होती है, लीगल जो होती कहते हैं जिसे, लेकिन इसमें एक खास चीज़ ये है कि चेसी के अंदर कोई चेंजेस नहीं किया गया, इंजन के अंदर कोई चेंजेस नहीं किए हुए, एनहेंसमेंट्स नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं है, कटिंग नहीं है, चॉपिंग नहीं है, कुछ नहीं है, चेसी बिल्कुल ओरिजिनल है, जो भी हमने चीज़ें बनाई है डायरेक्ट फिट है ओरिजिनल चेसी के अंदर। यानी अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते, जिनको बाइक बाहर लेके जानी है या बाहर से ऑर्डर करना है, अपनी बाइक का मॉडल बताइए, हम आपको किट बना के दे देंगे, जो आप डायरेक्ट अपनी बाइक पे एज इट इज फिट कर दी, जैसे आप कस्टम टेलर के पास कपड़े सिलवाते हैं। ओके, बिल्कुल वैसा ही ये सामान अपने वहाँ से लोकल किसी भी मैकेनिक से बंदा फिट करवा सकता है, कुछ नहीं करना। और किसी को कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो हम गाइड रिकमेंड ये करते हैं कि आप बिना पेंट के ले लीजिए, आप पेंट अपने पास करवाइए, उससे ये रहता है कि अगर बाई चांस के फिनिशिंग में फिटिंग में कुछ रह रहा है थोड़ा बहुत, तो आप आराम से फिटिंग में अपनी बाइक के हिसाब से कर सकें और बाद में पेंट करवा लें, अदरवाइज हम पूरा रेडी जॉब
पूरी की पूरी बाइक आपको रेडी देंगे, आप सिर्फ बाइक पे फिट कराइए और बाइक को अपनी चला लीजिए। सो बहुत ही अल्टीमेट मॉडिफिकेशन इसके अंदर करेगी। अगर आप भी ऐसा कुछ मॉडिफाई करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कॉन्टैक्ट नंबर, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, और अगर कोई आपको कंटेंट चाहिए मॉडिफिकेशन का, किसी और किसी भी बाइक का चाहिए एक्सरसाइज का, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सेम बाइक की मॉडिफिकेशन उसकी सारी की सारी प्रोवाइड करवाएंगे। सो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर।